अब तक आपने पुलिस थाने में तहरीर लेकर पहुंचे लोगों को या तो रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा होगा या फिर हंगामा करते हुए। लेकिन उधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली में एक शख्स जब तहरीर लेकर पहुंचा तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल एक दंपत्ति अपने गले में जूते चप्पलों की माला पहनकर अपनी पत्नी के साथ बाजपुर कोतवाली पहुंचा था। हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए थाने में दंपत्ति को देखकर पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए। पूछताछ में पता चला कि ये शख्स अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर थाने आया था। बाजपुर कोतवाली में जूते चप्पलों की माला पहनकर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए पहुंचे शख्स का नाम ओम प्रकाश वर्मा है, जो अपनी पत्नी के साथ थाने में पूर्व सांसद बलराज पासी के छोटे भाई के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे। ओम प्रकाश वर्मा का आरोप है कि वो पिछले 4 सालों से अपनी पत्नी के साथ भगत सिंह चौक पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए एक मुहिम चला रही है। इसी क्रम में बाजपुर का निवासी पूर्व सांसद बलराज पासी के छोटे भाई मौके पर पहुंचकर दबंगे दिखाते हुए उसके व उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित ओम प्रकाश वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित दंपत्ति को न्याय का भरोसा दिया है। हम पिछले 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हम पिछले 2 साल से शहीद भगत सिंह चौक पे लगातार प्रत्येक संडे को प्रोटेस्ट करता हूँ शाम को और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देता हूँ। देश भर में जितनी बेटियाँ मारी जा रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं या आम नागरिक मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी पिछले संडे को भी हम शाम 8 बजे जाके श्रद्धांजलि दे रहा था तो हमारे माननीय पूर्व सांसद योगराज पासी के बड़े भाई जितेंद्र पासी जी आए और उन्होंने हमारे ऊपर भी गाली गलौज किया और हमारी मिसेज को भी गाली गलौज किया और थप्पड़ मारा। इसकी कंप्लेंट करने हम कोतवाली गए थे। अभी वहाँ से उन्होंने रिसीविंग दिया है, कह रहे हम जाँच करेंगे। इसमें ये हमने जूते चप्पलों की हार, हमारे देश में जो बहन बेटियां मारी जा रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सेवा भाव में हमने पहना है और जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम उसी तरह माला पहने हुए ही हम कोतवाली चले गए। हम अपनी लड़ाई भी इसी सिंबल पे ही लड़ेंगे ना। हम दो जने प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक आदमी आया हम पर हमला करा, हमारे पति पे भी हमला करा, हमारे सिर पे भी चोट आई है। हम इस बात पे गए कोतवाली, कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने, वहाँ हमारी FIR लिखी गई है, कल हमें रसीद मिला था। क्या पता है कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यही जूता चप्पल का हार के ऊपर इनके बैठे हो आप, यहाँ मत आया करो, यहाँ से मार के भगा दिया। हाँ जी, हमारे सर पे चोट लगा है, यहाँ पे लगा। थाने में ओम प्रकाश वर्मा के अनोखे अंदाज में तहरीर दर्ज कराने पर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। पुलिस ने भी पूर्व सांसद के भाई के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पीड़ित दंपत्ति को कब तक न्याय दिला पाती है। पंजाब केसरी के लिए बाजपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।